हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट किचन हिंदी में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल की कचौरी की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डो लगा लेंगे। तो हमने 2 कप मैदा लिया है, मैदा को ऐड कर देंगे और 1/2 चम्मच हमने नमक ऐड किया है, मिक्स कर लेंगे। और 1/4 चम्मच हमने गरम घी लिया है, घी को ऐड कर देंगे और अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। मैदा में हमें घी को अच्छे से मिक्स करना है। मैदे में हमारे परफेक्ट मोयन लगा है, इस तरह से मुट्ठी बांध के देखना है फ्रेंड्स। तो मुट्ठी हमारे बन रही है तो परफेक्ट मोयन लगा है। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और डो लगा लेंगे। और हमें सॉफ्ट डो लगाना है फ्रेंड्स। थोड़ा सा हम इस पर घी ऐड करेंगे और डो को हमें चिकना कर लेना है। अब हम 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। और 1/2 कप हमने मूंग की दाल ली है और 2 घंटे पहले हमने भिगो कर रख दिया था और मूंग की दाल हमारी अच्छे से फूल गई है। हमने एक मिक्सी जार लिया है, अब हम मूंग की दाल को ग्राइंड कर लेंगे। तो मूंग की दाल को हम इसमें ऐड कर देंगे। मूंग की दाल को हमें दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है। मूंग की दाल को हमने ग्राइंड कर लिया है। तो हमने यहाँ पे एक पैन लिया है और 1 चम्मच हमने ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे और 1 चम्मच हमने जीरा ऐड किया है। 1 चम्मच हमने दरदरा सा सौंफ का पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा हींग और 1/2 चम्मच हमने ग्रेट किया हुआ अदरक इसमें ऐड किया है और 3 हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड की है और 1/4 चम्मच हमने बेसन लिया है। बेसन को अच्छे से भून लेना है। बेसन से फ्रेंड्स कचौरी की स्टफिंग में बाइंडिंग आती है, इसलिए हमें बेसन ऐड करना होता है। बेसन में खुशबू आने लगी है तो अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, थोड़ा सा हमने हल्दी पाउडर लिया है। अब हम मसालों को मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा हमने गरम मसाला ऐड किया है और 1 चम्मच हमने ड्राई मैंगो पाउडर ऐड किया है, अमचूर पाउडर। मिक्स कर लेना है। मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है फ्रेंड्स। मूंग की दाल को हमने पहले से ग्राइंड करके रखा है तो मूंग की दाल को ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे। स्टफिंग ठंडा होने पे हम स्टफिंग के बॉल बना लेंगे। 1 चम्मच हमें स्टफिंग को लेना है और बॉल बना लेना है। सभी बॉल को हमें पहले से बना कर रख लेना है, कचौरी बनाने में इजी हो जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने बॉल बना कर रख लिए हैं। अब हम डो को देख लेंगे। तो यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं। थोड़ा सा हम हाथों से डो को मसल लेंगे। अब हमें लोई निकाल लेनी है डो की। मैं यहाँ पे बड़ी कचौरी बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे थोड़ी बड़ी लोई ली है। आप छोटी कचौरी बना रहे हो तो फ्रेंड्स आप छोटी लोई ले सकते हो। अब हम लोई को कटोरी का शेप दे देंगे इस तरह से। अब हमें स्टफिंग रख देनी है और इस तरह से उंगलियों से हमें प्रेस कर लेना है और बंद कर लेना है। अब हम फिंगर से यहाँ पे प्रेस कर लेंगे और हल्के हाथों से हमें बेल लेना है। इसी तरह से हमें सभी कचौरी को बना लेना है। सभी कचौरी को बना लिया है तो चलिए फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 कढ़ाई में हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम कचौरी डाल देंगे
और कचौरी हमने यहाँ पे दो डाली है फ्रेंड्स, आप चाहे तो एक भी इसमें फ्राई कर सकते हो। पहले हमें ऑयल को हाई फ्लेम पे गरम कर लेना है, फिर हमें मीडियम फ्लेम पर रखना है। ऑयल का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो फ्रेंड्स कचौरी पे बबल्स आने लगते हैं। गोल्डन कलर आने तक हमें फ्राई कर लेना है। और फ्रेंड्स ये कचौरी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो अब हमें पलट लेना है कचौरी को। एकदम फूली फूली और खस्ता कचौरी हमारी बन के तैयार होती है फ्रेंड्स। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। तो देखिए कितने अच्छे से फूली है हमारी कचौरी। तो अब हमें निकाल लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी खस्ता और कितनी करारी हमारी कचौरी बन के तैयार हुई है। एकदम हलवाई जैसी और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।